अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNS न्यूज़ इंडिया। आज की बड़ी खबर, फिर से एक बार उस्मान नगर का तालाब 4 घंटों की बारिश में भर गया है और आवाम परेशानी के आलम में अपने अपने घर खाली करके जा रहे हैं। श्रीमती पी सबिता इंदिरा रेड्डी, हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तेलंगाना स्टेट और जलपली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी साहब, जलपली म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल साहब, मजहर अली काउंसिलर वार्ड नंबर 7, आधार काउंसिलर मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद की ये रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए PNS न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिनिस्टर किसको बोलो, उस्मान नगर से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं उस्मान नगर से बात कर रही हूँ। गए साल भी बहुत पानी आया, हमारा 2-3 लाख रुपए का सामान खराब हुआ और अब तक अभी भी वैसी छो मसला। जो तुम का दरवाज़ा खोलने का है वो खोलो, हमला गरीबों के पर रहम करो। अब हमला मजबूर है, हार्ट पेशेंट हैं, किधर भी जा नहीं सकते। अब कट्टा डाले, कई का कट्टा है, खाली देखने का है, वो तोड़ के पानी अंदर आ गया तो हमला किराए घर में जाना, जा नहीं सकते, रह नहीं सकते। हमला दोनों बीमार हैं, कहाँ जाना, कैसा करना, हमारी मजबूरी को समझो तुम लोग। गए साल भी पैसे देते बोले नहीं दिए, 10,000 भी नहीं मिले और 1 लाख रुपए भी नहीं मिले। मेरी बच्ची का जहाज पूरा डूब गया। अब आओ मैडम, आए यहाँ तक आए मगर इधर नहीं आए। कट्टा देख के वो तुम का दरवाजे का कुछ भी इंतज़ाम करो, पानी जाने का अच्छा रहता। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान नगर से बात करूँगा। हमारे देखो अगले साल भी पानी आके हम लोग बहुत परेशान हुआ, कितना की नुकसान हुआ। क्या है कि ले अब पानी चलेगा, कट्टा बना रहे हैं, बोल को हिम्मत से है सरकार ने है। अब वो पाइपलाइन सही नहीं डाले, फिर पानी रिवर्स आ रहा हो तालाब में का। अब आके हम लोग 3 महीने हो गए घर में आके, वो डेली जाकर पानी फिर इधर सीधा नहीं डाले, सब इधर से आ रहा घर सामने आ, तो फिर अब कहाँ जाना हम लोग, बोलो जरा तो भी हमारा ख्याल करो। कट्टा कहीं का पानी से गल जा रहा हो, कट्टा सही बना के पाइपलाइन सही डालो। मैडम आ रही, देख रही, जा रही, वो ठहर के कराना काम। कितने दिन से इधर पानी सब इधर आ रहा हो, तुम दरवाजा भी नहीं खोल रहे पानी जाने का, और रिटर्न आ रहा पानी है वो इसमें का पाइपा में का पानी। हाँ, पूरा मेनोला का पानी आके हमारे घर के सामने, अब फिर कहाँ जाना हम लोग, कितना की नुकसान हुआ अगले साल। ये साल तो भी जरा रहम करके रहेंगे, बल्कि सुकून से घर में रहेंगे बोले तो 3 महीने वहाँ घर में आको, 4th महीना ये फिर अब निकालना पड़ रहा, कहाँ जाना हम लोग। हाँ, कुछ भी हम लोग कुछ भी लेता नुकसान हो तो कुछ भी आने गवर्नमेंट हो, तुम लोगों का क्या गया हम ये ले, क्या तो नष्ट परिहार हम लेगा तो भी नहीं बोले, कुछ भी नुकसान हो तो कुछ भी नहीं बोले। अभी अब कहाँ जाना हम लोग, हम बोलो अब तो भी जरा अच्छा करते हैं, कट्टा डाले हिम्मत आएगा तो मेन वाला का पानी सब इधर से आ रहा, पाइपलाइन सही नहीं डाले, पाइपलाइन सीधा मिला के रोड डाल देना उसके ऊपर। हाँ, उल्टा आ रहा पानी हमारे, अब कहाँ जाना बोलो, फिर बारिश शुरू हो गई। हम लोगों को कुछ भी इंसाफ करना, पानी का मैडम आके देखना सीधा, जल्दी से जल्दी काम है सर का करो हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जनाब सबिता रेड्डी से एक मुकाबला है कि उस्मान नगर से 20 फीट की जो रोड जा रही मदीना मस्जिद के अपोजिट गली में से, और ये 15 फीट की रोड से नाला निकाल सकते और उसको आउट गोइंग कर सकते। आप ये कोशिश करके देखिए, तकरीबन घर और बस्ती के तकरीबन परेशान है, घर बचने की उम्मीद है। अब ये काम करके तो देखिए, आप उससे पहले भी इसके बारे में बताया गया, इस पर आप कोई तवज्जो नहीं दिए। और इसका सेक्शन भी, इसका बजट भी सेक्शन हुआ सो है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। डेनिश का वर्क चालू कराओ और ये पानी यहाँ से निकलने का, पासिंग निकलने का काम कराओ। तो ये पानी निकल के बाला विंगड़ापुर से कोतापेट से होते हुए निकल जाएगा, तालाब में चले जाएगा पानी। आप ये कोशिश करिए, इतना काम कराइए बस। आप थोड़ा सा क्या है इसके अंदर, से 20 फीट डीप मार के पानी निकाले तो बेहतर रहेगा आवाम के लिए। इस वक्त उस्मान नगर की आवाम पूरी परेशान है, दहशत में परेशान है,
लोग को इस वक्त घर भी नहीं मिल रहा कहीं भी, और बहुत परेशान हालत में है। और मस्जिद के पास भी पानी वहाँ से भी बहुत भय भय के आ रहा, और वो पानी पूरा क्या जाने का रास्ता नहीं है, और वो उल्टा रिवर्स घरों में पानी घुस रहा। मकान खाली करके लोग जो है निकल रहे हैं यहाँ से, मकाना खाली करके लोग घर खाली करके निकल रहे हैं यहाँ से, उनको कहाँ जाने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जाना किधर जाना समझ में नहीं आ रहा, लोग परेशान है। फिर गए सौ साल के वैसा ही सेम मूवमेंट बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उस्मान नगर से 20 फीट रोड से 15 फीट रोड जो है अब्दुल्ला नगर से निकल के आगे मदीनी मस्जिद है, वहाँ से जो है डायरेक्ट नीचे डाउन टाइप में डायरेक्ट एक रोड है, इसके अंदर वर्क कराए एक 10 से 15 फीट डीप कराए तो ये फ्यूचर रहता है, इसके अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर, और किसी मकान को पानी भी नहीं लगता। यहाँ से एक डायरेक्ट जो है पासिंग रोड है। मेहरबानी होंगी हम KCR साहब से और KTR साहब से और सबिता इंद्र रेड्डी मैडम से भी बता रहे हैं कि यहाँ से एक 700 रनिंग फीट अगर जो है वर्क कराए एक 20 से 15 फीट रोड में तो ये सक्सेस होता। आप इंजीनियर्स को लेके आके बता के अगर सक्सेस हो तो काम कराइए, आपको दुआ लगेंगी, पूरी बस्ती के लोग परेशान हैं, हम आपको दुआ देंगे अगर कराने से ये काम जो है बहुत आसानी से है, जो इसमें कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।